हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टिचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको डिजाइनर कुर्ती की कटिंग और सिलाई बताएंगे, जिसके लिए हमने 2 मीटर कपड़ा लिया है। इसमें से हमें डिजाइनर स्लीव्स भी बनानी है। सबसे पहले हम कुर्ती के लिए कपड़े को 4 फोल्ड में बिछाएंगे। इस तरीके से हमने 4 फोल्ड में कपड़ा बिछा लिया है। ये बंद की साइड है और वो खुले की साइड है। जितनी आपकी ब्रेस्ट है उससे आपको 2 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है, मतलब उतना कपड़ा आपको फोल्ड करना है, 12 से 13 इंच के बराबर। तो मैंने टोटल 11 इंच कपड़ा मुझे ये फोल्ड करना है। बाकी के कपड़े को मैं साइड में स्लीव्स के लिए बचा दूंगी। और जो लेंथ है वो 40 तैयार होगी, जिसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। तीरा ले लेते हैं 7 इंच पे, और आपका जितना भी तीरा है उसका आपको आधा लेना है। आर्म होल ले लेते हैं, वो भी 7 इंच पर ले लेते हैं, और ब्रेस्ट का 4th पार्ट और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा। इस तरीके से हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है लूजिंग के लिए, जो इसमें हमने ऐड कर दिया है। अब हम 8 इंच नीचे कमर के लिए निशान लगाएंगे, और कमर का भी 4th हिस्सा और उसमें 2 इंच ज़्यादा। इस तरीके से इसको तिरछा करके मिलाएंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम हिप राउंड नापेंगे, मतलब जितना भी आपका हिप राउंड है उसमें भी आपको 2 इंच की लूजिंग देनी है। तो यहाँ से हम ब्रेस्ट का और हिप का बराबर रहता है, इस तरीके से मिला देंगे और इसको यहाँ से सीधा कर देंगे नीचे तक, जैसे नॉर्मल कुर्ती की कटिंग होती है। कटिंग इसकी सेम ऐसे ही होगी, जो इसमें हम डिज़ाइन देंगे वो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बस लूजिंग देने के बाद ये हिप का हो गया, ये ब्रेस्ट का हो गया, और ये कमर का हो गया। 3 हमारे निशान है टोटल, ब्रेस्ट, कमर और हिप। हल्की सी गोलाई दे लेंगे आर्म होल वाली साइड को, और जो इसकी स्लीव्स है उसका वीडियो हम इसके बाद अपलोड करेंगे। इसमें डिज़ाइनर स्लीव्स भी लगाएंगे हम कप वाली। तो देखिए, जैसे ड्राफ्टिंग की थी सेम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग कर ली है। हमारे पास ये 2 पार्ट आ गए हैं बैक और फ्रंट के लिए। अब हम इसमें से 1 पार्ट को अलग कर देंगे, बैक पार्ट को, और फ्रंट पार्ट को हम इसे फोल्ड रहने देंगे। स्लीव्स के कपड़े को साइड में हमने बचा दिया है, इसको इस तरीके से रख देंगे और इसको 2 फोल्ड में कर देंगे ऐसे। अब यहाँ से आर्म होल की कटिंग कर देंगे। अब देखिए, हमने यहाँ से कटिंग कर दी है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5 इंच पे। तो ऐसे ही निशान को हमें सिर्फ ऊपर से नापना है, 5 5 इंच, नीचे बाकी कितना भी गैप हो आपको उसको नहीं देखना है। तो हमने देखिए एक सीधा लाइन ऐसे खींच दिया है, इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए, हमने कटिंग कर दी है इसकी, और ये हमने एक सीधी पट्टी ले ली है। इसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है, और दूसरी पट्टी की चौड़ाई हमें 2 इंच लेनी है। ये हम इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो जिससे हम इसमें बटन पट्टी या कुछ भी बना सकते हैं। तो हमने बुकरम ले ली है, 4 फोल्ड में कर ली है बुकरम, जिससे हमारे दोनों गले एक साथ निकल जाएंगे। 4 इंच हमने चौड़ाई ली है, और जो लेंथ है वो हमने 4.5 इंच ली है। यहाँ से भी 4 इंच पे ही एक बॉक्स बना के सीधा करके, और इसमें बॉटनेक की सेप दे लेंगे। 1 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम इस तरीके से गोल सेप देके और कटिंग कर देंगे। इसको अलग कर देंगे। ये हमारे पास 2 गले आ चुके हैं। अब हम सबसे पहले जो हमारे 2 पार्ट हैं इनको तैयार करेंगे। तो सबसे पहले इनके ऊपर हमने जो ये पट्टियाँ ली थी उसको हम इस तरीके से रख के और लगाएंगे। ये देखिए, इसको हमने डबल फोल्ड करके लिया है और नीचे तक लगा देंगे। अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो हमने इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दिया है। दूसरी लेंगे, और इसमें पहले हम यहाँ से हम 6 इंच कपड़ा छोड़ देंगे, और फिर हम यहाँ पे 2 2 इंच पे निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमें लूप्स लगाने हैं। ये हमें 2 2 इंच के लूप्स कट करने हैं।
ये हमने कट कर लिए हैं। इस तरीके से पकड़ना है और सीधी साइड को रख के और लगा देनी है पूरे में। ये देखिए, ऐसे ही हमें ये पूरे में लगानी है। ये हमें नीचे से जितना आप ओपन रखना चाहती हैं, 12-13 इंच के बराबर उतना ओपन रख सकती हैं। अब इसको हम ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर हमने डबल करके रखा है पट्टी को, और जो सिलाई हमने लूप्स लगाते टाइम लगाई थी उसी उस सिलाई के ऊपर हमें ये पट्टी रख के दूसरी सिलाई लगा देनी है। एक्स्ट्रा पट्टी को हम यहाँ से कट कर देंगे। अब इसको हम ऐसे करेंगे इस तरीके से रखने के बाद, और इसके ऊपर एक सिलाई लगा के, और इसको हम उल्टी साइड को फोल्ड कर देंगे और नीचे तक हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो हमने नीचे तक सिलाई लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, अपना दूसरा वाला पार्ट लेंगे, इसके ऊपर इसको ऐसे रख के और इसको यहाँ तक जॉइंट कर देंगे। फिर बाद में आप इस पर बटन मोती जो भी आप लगाना चाहती हैं वो लगा सकते हैं। अब यहाँ से हम इसको ऐसे ही रखते हुए सिलाई लगा देंगे पूरे में। और हमने नीचे से 13 इंच के बराबर खुला रखा है, यहाँ से नीचे तक, यहाँ से हम अच्छे से इसको लॉक कर देंगे ऐसे, उससे नीचे खुला रहेगा। देखिए यहाँ से खुला है। अब हम इसका तीरा जॉइंट कर लेंगे और यहाँ पे बटन वगैरह ये उल्टी साइड से कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। गली को तैयार कर लिया है, इसको फोल्ड कर लेंगे, सेंटर कर लेंगे इसका, और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे बीच सेंटर में। गले के ऊपर भी सेंटर में निशान लगाएंगे। गले को रखेंगे और सीधी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए हम इसके चारों तरफ सिलाइयाँ लगा देंगे। सिलाई लगा दी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे और इसमें छोटे छोटे कट लगा के इसको हम रॉन्ग साइड को पलट देंगे। ये पलट दिया है हमने, बाद में इसके ऊपर हम तुरपाई कर लेंगे। बैक पार्ट को सेम तैयार कर लिया है, तीरा जॉइंट कर लेंगे। फिटिंग हमने इसकी कर ली है, मतलब इसको हमने तैयार कर लिया है। स्लीव्स की वीडियो हम अगली वीडियो में अपलोड करेंगे। ये हमारे डिजाइनर स्लीव्स हैं, इनको जैसे नॉर्मल स्लीव्स को लगाते हैं ऐसे हमने लगा लिया है। फिटिंग कर लेते हैं इसकी। ब्रेस्ट से जितनी भी आपकी लूजिंग है उतनी देके आप फिटिंग कर लें, मतलब 2 इंच की लूजिंग छोड़ दें और किसी पुरानी कुर्ती से इसकी फिटिंग कर लें। तो हम नीचे तक इसकी फिटिंग कर लेंगे, जो हमने निशान लगाया था 13 इंच पे, वहाँ तक हम इसकी फिटिंग करके और इसको हम तैयार करेंगे। जैसे नॉर्मल स्लिट फोल्ड करते हैं ऐसे ही स्लिट को फोल्ड करना है। यहाँ तक हम इसमें सिलाई लगा के ऊपर की साइड को पलट देंगे कपड़े को। दूसरी साइड को भी ऐसी सेम फिटिंग करेंगे और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा हम इसमें से कट कर देंगे, मतलब ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा इस तरीके से। अब इसकी स्लिट फोल्ड करेंगे, पहले 1/2 इंच का फोल्ड, फिर 1/2 इंच का फोल्ड, और टोटल हमें ये 1.25 इंच के बराबर कपड़ा फोल्ड कर देना है। और चारों स्लिट को हमें बराबर ही फोल्ड करना है। इस पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, हम इस पर सिलाई रखेंगे। अगर आप तुरपाई का रख रहे हो तो वो थोड़ी सी चौड़ी मुड़ती है और उस पर बाद में ये सिलाई निकाल के तुरपाई होती है, लेकिन उसके बाद हम इसको ऐसे ला के और यहाँ से मोड़ के हिप वाली राउंड साइड से और इस तरीके से घुमा के और दूसरी स्लिट को सेम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ से फिनिशिंग ज़रूरी है देना। अभी दूसरी साइड को भी हम ऐसे ही फोल्ड करके और फिर इसके बॉटम को तैयार कर लेंगे। ये देखिए, ये जो वो वाली स्लिट है जहाँ से हमने इसको ओपन छोड़ा था, और ऐसे इसको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेंगे हम। अब नीचे से बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे इसके को।
तो देखिए भरने के बाद में इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। आप पूरा लुक देख सकती हैं। प्लाजो का वीडियो भी हम जल्दी ही अपलोड कर देंगे। वैसे हमने बहुत सारे प्लाजो के वीडियो अपलोड कर रखे हैं, आप देख सकती हैं। अगर आपको हमारा ये तरीका अच्छा लगे तो हमारे ई स्टिचिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। और जो स्लीव्स हैं उसका वीडियो भी हम जल्दी ही आपके पास अपलोड कर देंगे। आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हो। तो देखिए पूरा लुक आप देख सकती हैं, और इसमें मैंने छोटे छोटे बटन लगा लिए हैं। आप चाहें तो मोती वगैरह जो भी कुछ आप लगाना चाहती हैं वो लगा सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो।